सूबेदार साहब की बर्थडे पे आ रहे थे, बस हमें नहीं पता हम कैसे गिर गए, यही पता कि गिरे और चोट लग गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों को ये चेहरा नया नया लग रहा होगा, बट डोंट वरी, ऐसा ऐसा पहचान जाओगे। तो अल्लाह ताला के शुक्र के साथ आज की करते हैं जी व्लॉग स्टार्ट, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग वगैरह लाता रहूँगा। तो अभी मैं बाहर आया हुआ था और इस टाइम तकरीबन टाइम हो रहा है सुबह 7 बजे का। इतनी यार गर्मी, सुबह इस टाइम भी सुबह 7 बज रहे हैं और गर्मी चेक कर, ये सूर्य चेक करें, वो सुबह कहाँ आ गया सूर्य, इतनी गर्मी पड़ रही है यार। और लाइट वालों ने अजीब रोला डाला हुआ है, आधा घंटा आती है 2 घंटे बंद, दो घंटे तो आती नहीं है, आधा घंटा आती है 2 घंटे बंद, घंटा आती है 1.5 घंटा बंद। तो UPSC भी है, वो भी टू 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 कह पटुश बंद हो जाते हैं। तो चलो खैर, अल्लाह ताला आसानियाँ करे यार, और क्या कह सकते हैं। तो चले करते हैं जी अपना जाके घर नाश्ता, तो उसके बाद मिलते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है। घर आ गए हैं और करने लगे हैं जी अपना नाश्ता सुबह का। तो चले नाश्ते में ये है नान, चने और चाय। तो अगर आपने करना है तो आ जाएं, तो बाकी मिलते हैं आपको कुछ देर में, फिर नाश्ता वगैरह करके, उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम जाना है, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। 1 hour later अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल बॉस भाई का चेकअप करवाने। तो हमारे साथ हैं बाबा और मलक अली और भाई शुएब। भाई का हुआ था एक्सीडेंट कुछ दिन पहले, तो और बर्थडे पे आ रहे थे, मेरी बर्थडे थी, तो अभी ना डॉक्टर से लिया है टाइम, तो हम ये जा रहे हैं हॉस्पिटल चेकअप करवाने मुजफ्फरगढ़। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, तो चलते हैं और मिलते हैं आपको हॉस्पिटल। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं तुर्की अस्पताल, इंडस हॉस्पिटल है ये, हमारे ज़िले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ओके, तुर्की हॉस्पिटल। ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल तुर्की। अभी जी बॉस भाई गए हैं अंदर और मैं और मलिक साहब बाहर बैठे हुए हैं, वो उसका वेट कर रहे हैं। यार लिटरली बहुत रश है यार, बहुत ही ज़्यादा रश है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है क्या नहीं है। बॉस भाई और पापा गए हुए हैं अंदर चेकअप करवाने और मैं और मलिक अली साहब जी बैठे हुए हैं। और सर जी कह में गिरे थे, ये पोस्ट भाई के साथ ही था। सर जी कैमे गिरे थी, सूबेदार साहब की बर्थडे पे आ रहे थे, बस हमें नहीं पता हम कैसे गिर गए, यही पता कि गिरे और चोट लग गई है। चलो अल्लाह पाक की अच्छी बात है। तो अभी बॉस भाई और बाबा गए हैं चेकअप करवाने, तो वो जैसे चेकअप करवाते हैं तो वापसी के मिलते हैं आपको। तो बॉस भाई का चेकअप करवा लिया है, ये बैठे हैं बॉस, और मलिक साहब का चेकअप करवाना है अभी भाई का। तो डॉक्टर साहब गए हुए हैं बाहर, तो जैसे ही आते हैं तो फिर चेकअप करवाते हैं। A few moments later. तो फाइनली जी अस्पताल से निकल आए, मेडिसिन वगैरह ले ली है, तो चेकअप वगैरह करवा लिया है माशाल्लाह, रिपोर्ट वगैरह मिली है। अभी निकले हैं हॉस्पिटल से, तो अभी जा रहे हैं हम जी वापस। मैं बना हूँ नया नया व्लॉगर, तो उधर ना हॉस्पिटल में मैं इसलिए नहीं कैम ना यूज़ कर सका, तो यार बहुत कंफ्यूज था, दिल धक धक कर रहा था। तो अभी ना यार लिटरली इतने पेशेंट थे ना, अल्लाह पाक सबको सेहत दे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, तो काफ़ी डॉक्टर वगैरह ने बोला है कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जी बिल्कुल ठीक है बॉस। तो जो भाई वगैरह पूछ रहे थे बॉस का क्या हाल है, तो बॉस बिल्कुल अब ठीक ठाक हो गया है, ठीक है। डॉक्टर ने बस रेस्ट बोला है, बाकी इंशाल्लाह 3-4 दिन में बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, स्टिचिंग वगैरह वो निकल गई है। ये देखें बॉस बिल्कुल फिट है, वो ठीक है ना डॉक्टर,
किया था कि बिल्कुल ठीक हो जाओगे 3-4 दिन के अंदर, अगर ना हुआ तो फिर चेकअप करवाना पड़ेगा। तो अभी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो इंशाल्लाह 3-4 दिन में दोबारा बोझ आपको मिलेगा पबजी पे। बहुत तेज हो रहा है। ओ जी, अभी हम एक रुके हैं एक होटल पे खाना खाने के लिए, तो अभी खाना खाते हैं तो चलते हैं। बस खाने में ये दाल है, ये बॉस के लिए सूप मंगवाया है, बॉस खाना नहीं खाता है, सूप मंगवाया है। पेनू कहते रोश हाँ रोश मंगवाया है दाल, और बॉस भाई के लिए सूप मंगवाया है खाने में, और ये दाल। तो फाइनली जी हम वापस पहुंच गए हैं अपने क्लिनिक, तो इधर ही मैं अपने व्लॉग को कर रहा हूँ एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।